जो अनुभव कर रहे हैं ये आज का सत्य है, जो इस अवस्था में अनुभव कर रहे हैं वो इस अवस्था, जैसे स्वप्नावस्था में स्वप्न ही सत्य होता है, सत्य लगता है, स्वप्नावस्था में स्वप्न असत्य नहीं लगता, वो स्वप्नावस्था का सत्य है, उसे झूठ मत कहो, वह सत्य है स्वप्नावस्था का। जब हम जागते हैं ये जागने का सत्य है, ये मृत्यु अवस्था का सत्य नहीं है, ये सुषुप्ति अवस्था का सत्य नहीं है, ये जागृत अवस्था का सत्य है। सुषुप्तावस्था में निद्रा और जगत का अभाव होता है, लेकिन वहाँ भी आत्मा का सत्यत्व तो नहीं पता चलता। सुषुप्ति में आत्मा सत्य है, जगत नहीं है, ऐसा नहीं लगता, परंतु समाधि अवस्था का सत्य है कि आत्मा सत्य है, मैं सत्य हूँ, जगत स्वप्न है, जगत मिथ्या है, जगत नहीं है। जगत का नहीं होना जब मैं अपनी ही चेतना से देख सकूं, जैसे कोई स्वप्नों का न रहना हम ही ने देख लिया, स्वप्नों का रहना हमने देखा, स्वप्नों का न रहना हमने देखा। हाँ, एक चीज जरूर देखी, लेकिन एक नया भ्रम होता है, हमने बचपन में बचपने का अनुभव किया, उसे सच्चा देखा, बचपना गया, इसके जग गया, हमने एक अपनी जवानी सच्ची देखी। एक झूठ को बचपन में सच्चा देखा, एक दूसरा झूठ जवानी में देखा, जब वो गया एक तीसरा झूठ सच्चे की तरह बुढ़ापे में देखा, और एक चौथा सच्चे हमने मृत्यु देखी। लेकिन ये भी झूठ है, क्योंकि अभी तक हमने सच्चे सच को नहीं देखा, रियल ट्रुथ को नहीं देखा, सुप्रीम ट्रुथ को नहीं देखा, परम सत्य को नहीं देखा। नहीं तो भागवत को ये कहने की जरूरत नहीं, सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम, परम सत्यम धीमहि, इसका मतलब ये अवर सत्य है, ये निकृष्ट सत्य है। एक स्वप्न सत्य है, एक माइक भौतिक सत्य है, ये आध्यात्मिक सत्य नहीं है जिसे तुम देख रहे हो। एक आध्यात्मिक सत्य है जिसके देखते ही ये संसार माया मात्र लगता है, एक इंद्रजालिक की तरह लगता है, एक जादू के खेल की तरह लगता है। जैसे हम बचपन में तिनके को जलाकर अंधेरी रात में तिनके की उस आग की नोक से डिजाइनें बनाकर देखते थे, कभी लंबी, कभी गोली, कभी तिकोनी, ऐसे 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 ऐसे, कभी किया है ना बचपन में? नहीं, छोटे में और कुछ साल पहले कोई खेलने की बातें ही नहीं होती थी, तो हम ऐसे ही खेल लेते थे। अब तो खेल भी बड़े महंगे खेले जाते हैं, यह गरीब मुल्क छोटे छोटे खेलों में अपना दिल लगाता था। हमने बचपन में जलते हुए तिनके की रात को ऐसे खेलते देखते, आजकल जैसे आतिशबाजी करते हो, कुछ देखते हो, कोई डिजाइनें बनती। बीते वर्ष अमेरिका में हम एक जगह थे, शायद वो आज़ादी का दिन था, 4 जुलाई, तो वहाँ इतनी
देखने गए, आतशबाजी इतनी डिजाइनें बन बन के दिखती थी, पर वहाँ डिजाइनों में जलते हुए तिनके होते। परंतु अवैज्ञानिक सत्य जो वैज्ञानिक नहीं है, तर्कपूर्ण नहीं है, जब हम यूं तिनका चलाते तो एक साथ लंबी लाइन गोला, जबकि तिनके को एक टाइम में चारों तरफ किसी वैज्ञानिक की शक्ति नहीं की कर दे। कोई भी ज्ञान इतने से तिनके को चारों तरफ नहीं कर सकता। और जब आग चारों तरफ दिखती है, उस समय चारों तरफ होती नहीं, गति तेज होती है, लेकिन जब तिनका नीचे होगा तब ऊपर नहीं होगा। लेकिन इतनी तेजी से तिनका आता है कि वहां लकीर यहां तक मालूम पड़ती, होती नहीं। और मैं तुम्हें इनाम दूंगा यदि एक से तिनके को लंबा कर सको। नहीं हो सकता, गोला नहीं कर सकते, उसके लिए तो हजारों तिनके जलते हों तब गोला बन सकता है, पर बिना बने गोला बना दिखता है। ये एक सच्चाई है कि दिखता है, और एक सच्चाई है कि असंभव है, असंभव भी संभव लगता है। इसी तरह स्वप्न ही सही, परंतु स्वप्न में मेरी मृत्यु हो गई। भाग्यशाली हैं जिन्होंने अपने को स्वप्न में कभी मरा हुआ देखा हो। मैंने दो बार स्वप्न में अपनी मृत्यु देखी। अब देखो, मैं मरूं और जिंदा हूं, ये अवैज्ञानिक बात है, दो सत्य नहीं हो सकते। मैं मर भी गया हूं, मैं जिंदा भी हूं, मैं मर भी गया हूं, मरना देख रहा हूं, इसलिए स्वप्न का मरना सच नहीं हो सकता। कई लोग कहते हैं सपने सत्य होते हैं, मैंने कहा होते होंगे, मेरे जानते नहीं, संभव ही नहीं है, सच लगते हैं। तो स्वप्न में जब मेरी मृत्यु हो गई, उस मृत्यु का ज्ञान और उस मृत्यु का दुख दोनों मुझे हो रहे हैं, तो मैं उपस्थित हूं या अनुपस्थित हूं। मृत्यु कहते हैं अपनी अनुपस्थिति, मृत्यु माने मेरा अभाव, पर मृत्यु बोध में भी मेरा अभाव नहीं है। तो यदि तुम्हें मृत्यु दिख रही है, तुम दुखी हो, तो यह मृत्यु भ्रम है, यह स्वप्न है, यह सत्य नहीं हो सकता। इसी तरह से तिनके का लंबा होना, गोला होना संभव नहीं है, असंभव है, फिर भी असंभव की अनुभूति होती है। आध्यात्मिक लोगों की दृष्टि से अपना जन्म और अपनी मृत्यु असंभव है। सत्य का जन्म, सत्य की मृत्यु असंभव है। घड़े का जन्म दिखना, घड़े की मौत दिखना, ये असंभव नहीं है, पर मिट्टी का जन्म हुआ घड़े के जन्म से, ये असंभव बात है। और घड़े की मृत्यु से कोई मिट्टी की मृत्यु हो गई, ये अनुभव भी असंभव है, पर होता है। तुम्हें अपना अभाव ज्ञान होता है, तुम्हारे अपने होने की उत्पत्ति का ज्ञान होता है, कि जैसे मैं हुआ हूँ, जैसे ना रहूँगा, इसलिए इसे हम स्वप्न कहते हैं। स्वप्न तो असंभव भी हो सकते हैं, असंभव स्वप्ने ही हो सकते हैं, सत्य कैसे असंभव होगा। इसलिए ये जो कुछ भी हम अनुभव कर रहे हैं असंभव अनुभव है, और असंभव अनुभूतियों से मुक्त हो जाना, असंभव अनुभूतियों से रहित होना, इसका नाम समाधि है। जैसे तिनके को स्थिर कर दें तो लंबाई और गोलाई खो जाएगी। फिर ध्यान दें, गोलाई खो जाएगी तिनके की स्थिरता से। इसी तरह चित्त की वृत्तियों की स्थिरता से जगत खो जाएगा, क्योंकि जगत नहीं है, चित्त की वृत्तियां ही हैं, चित्त की वृत्तियां ही स्वप्न है,
चित्त की वृत्तियां ही जागृत है, चित्त की वृत्तियां ही स्वप्न, चित्त की वृत्ति ही सुषुप्ति है। इसलिए वृत्ति के निरोध होने पर सुषुप्ति नहीं हो सकती, जागृत नहीं हो सकता, स्वप्न नहीं हो सकता। फिर वहां चित्त की वृत्तियों के निरोध से जो है वही होगा। जैसे सब आकारों का निरोध कर दिया जाए, लोहे के जितने औजार बनते हैं वो एक आकार है, यदि उनको विलय कर दिया जाए तो लोहा बचेगा पर कोई औजार नहीं बचेगा। यदि मिट्टी के सभी आकारों को मिटा दिया जाए तो मिट्टी तो बचेगी पर कोई घड़ा ईंटा मकान नहीं बचेगा। इसी तरह से यदि आपकी वृत्तियों का निरोध हो जाए, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, योग क्या है? चित्त की वृत्तियों का निरोध। यदि चित्त की वृत्तियों का निरोध ना हो तो क्या होगा? वृत्ति सारूप मित्रत्र, और सब अवस्थाओं में चित्त की वृत्ति जैसी होगी वैसे ही दिखेगा। स्वप्न दिख सकता है, दुख दिख सकता है, हानि लगेगी, धनी लगोगे। ये धनी क्या है? यदि आपकी बुद्धि में अंतःकरण में धनी हूं ये वृत्ति ना हो तो आप धनी कहां हैं? भले धन के सहारे वृत्ति बनाते हो पर स्वप्न में तो आप ऐसे ही धनी बन जाते हो, लूट जाते हो, पिट जाते हो, मर जाते हो। वहां वृत्ति के सिवा क्या है? और यदि आप अपनी वृत्तियों का निरोध करके एक बार देख लें तो वृत्ति द्वारा होने का जो चस्का है वो खत्म हो जाए कि मैं रहूं या ना रहूं, ये हो वो हो। ये रहना क्या है? आप जिंदा हो इसमें क्या सबूत है? कहीं जागे हो, बस जागे हो, मैं हूं ये वृत्ति ही तुम्हारा होना है। यदि ये वृत्ति तुम्हारी, तुम्हारे रहते यदि तुम्हें लगे मैं नहीं हूं तो ये भी सच लगेगा। आप ये देख सकते हो मैं नहीं हूं, ये सम्मोहित करने वाले सम्मोहन विद्या के द्वारा तुम्हें जो चाहें दिखा देते हैं। एक लड़के को ये दिखा सकते हैं कि मैं लड़की हो गया हूं। एक स्वप्न मुझे ऐसा भी हुआ, एक स्वप्न मुझे हुआ मगर मेरे पीछे पड़ा। जमुना किनारे गांव है, मगर का भय बचपन में ही पड़ गया, स्वप्न में मगर मेरे पीछे पड़ा, मैं भागा। ये असंभव नहीं लगता है, संभव लगता है, मगर आ रहा है मैं भाग रहा हूं। अब मैं भागता रहा, गिर पड़ूं, भागूं, पैर वजनदार हो गए। एक दो बार तो मगर के चपेट में आते आते बचा। जो मेरी उस समय दुर्दशा थी उतनी ही जितना तुम किसी हत्यारे के जाल में फंस जाओ उतना ही। वहां कोई झूठा थोड़ी लग रहा था, मगर तो मेरे पीछे पड़ा था, मैं भाग रहा था, भाग नहीं पा रहा था, मगर की चपेट में आ रहा था। फिर अचानक पता नहीं कौन सा दिमाग काम कर गया, कोई योजना नहीं, मैं उड़ गया, चिड़िया बन गया। सचमुच चिड़िया बन गया और तब मेरे को खुराफात सूझा। मैं चिड़िया बन करके, अब ये देखो अकल कहां से आ गई, मैं चिड़िया बन करके मगर की पीठ में चोंच मारूं उड़ जाऊं, पीठ पे चोंच मारूं कि अब उसको परेशान कर रहा था, फिर उड़ूं चोंच मार मार के। अब ये देखो मनुष्य का चिड़िया बन गया। कैसे बन गया? सिर्फ ख्याल, सिर्फ वृत्ति। तुम अभी अभी दुखी हो, अभी अभी बिना किसी के तुम सुखी हो जाओ। अभी हमारी अनात्मिक चेतना है, ऑब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस है। थोड़ी देर में आप सब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस या आत्म चेतना, मैं हूं बस, आंख है नहीं मैं हूं, कान है नहीं मैं हूं, देह नहीं मैं हूं, मैं इन सब वृत्तियों को छोड़ सकता हूं, देखना छोड़ सकता हूं। यद्यपि तुरंत नहीं जाएगा पर रोज देखना छूटा नींद में, इसका मतलब जागते में भी देखना खत्म कर सकते हो, सुनना खत्म कर सकते हो,
जगत का जानना खत्म कर सकते हो और होश में रहकर, उसी का नाम समाधि है। पर तुम्हें इतनी रुचि है देखने सुनने की जानने की कि तुम इसे नहीं खोते हो, होश में नहीं खोते। हाँ, नींद जब तुम्हें दबोच लेती है तब तुम सब जगत को भूल जाते हो। जिस जगत को तुम नींद में खो देते हो, क्या इस जगत में जागते हुए नहीं खो सकते? और आंख खो जाए तो रूप खो गया, कान खो जाए तो शब्द खो गया, इंद्रियां खो जाएं तो संसार खो गया, मन खो जाए तो इंद्रियां खो गईं, और यदि आत्मा रह जाए तो सब कुछ खो गया। और ये संभव है, असंभव नहीं है। पर प्रैक्टिस, योग एक प्रैक्टिस है, ध्यान एक प्रैक्टिस है, वेदांत प्रैक्टिस नहीं है। इसीलिए वेदांत की सत्यता उपलब्ध करने के पहले योग आवश्यक है। बहुत पहले मैंने पढ़ा था, सांख्य और योग दो हाथों से वेदांत अधिकृत करो, अधिगत प्राप्त करो। वेदांत की सत्यता, आत्म सत्यता को प्राप्त करने के लिए योग और सांख्य। सांख्य मतलब है ये मैं नहीं हूँ, मैं तो हूँ पर ये नहीं, ये अपनी जगह है। जैसे जागृत में तुम हो पर मैं तुम नहीं हूँ, आप तो हो, आप हो पर आप पत्नी नहीं हो, आप हो पर आप पति नहीं हो पर आप बेटा नहीं हो, वो है। आप हो पंडाल आप नहीं हो, आप हो ना पंडाल, कैसा लगता है? किसी का होना मेरा होना नहीं है, मेरा होना किसी का होना नहीं है, वो अपनी जगह है, मैं अपनी जगह हूं। इसी तरह से शरीर है, इंद्रियां हैं, पर ये मैं नहीं हूं। पहले मैं ये निर्णय करूं, इसे बोलते हैं सांख्य दर्शन। सांख्य माने सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन पुरुष और प्रकृति, जड़ और चेतन, यह और मैं को अलग करता है। सांख्य दर्शन माने विवेक, विवेक, विवेक माने मिली हुई चीज को अलग अलग करना। जैसे गेहूं और कंकड़, चने और कंकड़, मक्की ज्वार के दाने और कंकड़ मिले हो तो महिलाएं घर में अलग करती हैं, ये कंकड़ है ये दाने हैं। और तुम ऐसे ही कंकड़ और दाने सब मिला के पीस दो तो रोटी भी किरकिराएगी, खाने लायक नहीं रहेगी। अभी बिना विवेक के तुम जड़ और चेतन को मिलाए, चिद जड़ ग्रंथि, चिद जड़ ग्रंथि, जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनई, यद्यपि ये गांठ झूठी है, जब मिले रखे हैं तब भी कंकड़ कंकड़ हैं, गेहूं गेहूं है। मिले होने पर गेहूं कंकड़ हो जाते हैं ना, बोलो। कंकड़ और गेहूं पास पास एक जगह रखे हैं तो गेहूं कंकड़ हो गए क्या, और कंकड़ गेहूं बन गए? नहीं। यद्यपि ये जड़ चेतन नहीं होता, चेतन जड़ नहीं होता, जड़ जड़ है चेतन चेतन है, पर फिर भी हम मिलाए रखे हैं। मेरे गुरुदेव कहते थे, कैसी करी नादानी खोए दई जिंदगानी, और एक लाइन बोलते थे, कर दई सानी मानी। सानी में जानते हो, सानी में क्या करते हो? भूसा और अनाज, खली और भूसा, दलिया गेहूं का, और भी दाल सब भूसे के साथ मिला दिया, इसका कहते सानी मानी। ऐसे ही जड़ और चेतन को मिक्स कर दिया, ये सब मिला करके एक बने बैठे हो, हम हम हम। यदि हम ना होता तो देह का पता ना चलता, देह ना होता तो शायद तुमको हम का पता। जैसे कोई स्त्री ना हो तो तुम पुरुष नहीं लगोगे, पुरुष तब लगने लगते हो जब कोई स्त्री होती है, तब तुम आदमी हो जाते हो, मनुष्य हो जाते हो, पुरुष हो जाते हो।
और स्त्री अकेली स्त्री नहीं होती, जब कोई पुरुष की कल्पना हो तो स्त्री होती है। यदि ये जड़ ना होता तो तुम चेतन हो ये नहीं ध्यान देते, और चेतन ना होता तो जड़ का तो अतः ही पता ना होता। भले होता पर चेतन ना होता तो जगत क्या था। दुनिया भर में से चेतना ना हो तो जगत क्या है, किसने देखा जगत, जगत कैसे सिद्ध होगा। बात समझ में आ रही है ना। जो रोज कथा सुनते हो उससे थोड़ी ये भिन्न टाइप की है। मैं गर्व से ये बात कहता हूं कि हम अपने देश की संस्कृति सभ्यता और धर्म ग्रंथों से परिचित नहीं है, और कथाएं ज्यादातर मनोरंजन बन गई हैं। यद्यपि कथाओं का उद्देश्य मनोरंजन नहीं है, पर तुम्हारे दिल बहलाने के लिए कथा होती है, तुम भी उनको वाह वाह कहते हो, हमें भी बड़ी खुशी हो जाती है। दो मूर्खों की समाज, एक मूर्ख बनाने में लगा, एक बनने को तैयार है। एक लूट रहा, एक लूट रहा। एक घूस रिश्वत दे रहा, एक ले रहा। पर भारत में लोग कहते हैं घूस लेना रिश्वत लेना देना दोनों पाप है। ये नहीं, देना भी पाप है, अब बिना दिए कोई ले कैसे लेगा। लेना देना दोनों पाप है। तो मेरे जानते केवल मनोरंजन के लिए कथा सुनना और सुनाना दोनों पाप है। पर जब तुम सुनने को राजी हो, तुम्हारी अटकी है, तो हम भी सुनाएंगे। तुम्हारा दिल कर रहा है मुझे सीट मिल जाए, यद्यपि ये हमें मालूम है कि सीट कोई टीटीआई पैदा नहीं कर सकता, वो छिपाए रखता है, बताता नहीं। पैसे आने पर कैसे सीट आ गई, कोई उसका बाप पैदा करता है सीट। तो जड़ और चेतन, बिना चेतन के जड़ सिद्ध नहीं हो सकता। ये जग मेरे ही करके तो भान है, कैसा सुंदर अनुभव प्रत्यक्ष प्रमाण है, ये सब मेरे ही करके तो भान है। तुम जरा जागे जगत है, तुम जुड़े धनी हो गए, धन धन है, तुम हो, तुम में धन कैसे जुड़ सकता है, तुम्हारे मस्तिष्क में धन कैसे घुस जाएगा। परंतु बाहर रखे धन से तुम धनी हो गए, अलग रखे रंग से मेरा कपड़ा रंग गया, वाह क्या कमाल है। रंग वहां रखा है, मेरे कपड़े रंगीन हो गए, अरे रंग कम से कम इससे चिपकेगा तब रंगीन होगा। धन तुम्हारे दिमाग में घुसे ही नहीं सकता, जरा घुसेड़ कर देखो, फिर कैसे धनी हो गए। आप धन से धनी मानते हो, इससे ज्यादा मूर्खता और क्या होगी। और इसीलिए एक भूत लगा पड़ा है कि धन जोड़ो फलाना करो, सुंदर बनो फिर मैं सुंदर हो जाऊंगा, शरीर को रंगो पोतो फिर सुंदर हो जाओगे, भाव बनाओ और क्या, अच्छी भाव बनाओ तुम अच्छे हो गए। इससे ज्यादा कोई मूर्ख होगा। इसीलिए सबसे पहले शुरुआत है विवेक। विवेक ये है, तुम हो, शीशे में तुम घुस गए, शीशा होता है उसमें तुम घुस गए क्या, दिखते हो, घुसे नहीं, घुस नहीं सकते, नहीं तो शीशा चटक जाना चाहिए, दरार आ जाना चाहिए। शीशे में घुसे नजर आते हो, शीशे में हो नहीं। इसी तरह से तुम देह या तुम देह में चिपके नजर आते हो, पर तुम हो ये है, इसका नाम विवेक है। विवेक विवेक आप देखे जा रहे हो, चिड़िया को विवेक नहीं होता तो चोंचे मारती है, लगता है उधर चिड़िया घुसी है उससे मिलूं। यदि प्यार होगा तो मिलना चाहती है, और दुश्मनी होगी तो लड़ना चाहती है, और उधर है ही नहीं चिड़िया, क्या लड़ो और क्या फंसो, ना प्रेम की गुंजाइश है ना दुश्मनी की, क्योंकि वो है ही नहीं, सिर्फ दिखती है।
नहीं समझ में आई? मैं नहीं जानता चिड़िया वो फेमिनिन जेंडर है या मैस्कुलिन जेंडर है, उधर क्या समझती है, पर उधर देखती तो है, उसे दिखता तो है, उसको मिलती है, मिलना चाहती है, चाहे लड़ने के लिए चाहे प्यार के लिए। और जब नहीं, सामने से नहीं जा पाती, मिल नहीं पाती, तो पीछे से झांकती है शीशे के। मैंने झांकते देखा, पर झांकती है तो वहां कोई, झांकती है कोई नहीं, तुम तो शायद झांकते भी नहीं हो, क्योंकि वो है भी कि नहीं, तुम तो चिड़िया से ज्यादा मूर्ख हो। चिड़िया तो कम से कम झांक कर अपने संशय मिटा रही है कि जब ये जा नहीं पाती, इधर दिखती है तो जरा बगल से देखूं, जब नहीं। एक बार एक छोटा बच्चा, ये अलमारियां गोदरेज की तुम्हारे घर रखी होती, उसमें एक शीशा लगा होता, एक के घर हम जलपान कर रहे थे, जब तक हम जलपान करें बच्चा एक ही काम में लगा था, आगे जावे शीशे में देखे फिर पीछे लौटे। अब वो लौट आया, अब आंखें आ गई नहीं, फिर ऐसे देखे। एक छोटा बच्चा भी जिज्ञासु है, कुछ जानना चाहता है। तुम इतने बूढ़े होकर जानना कुछ चाहते नहीं, मरे जा रहे हो, कोई भगवान तुम्हें निपटा देगा, सुलझा देगा, फलाना कर देगा, क्या कर देगा, वो तुम्हें मुक्त कर देगा। तुम्हें जब जानने की, रहस्य समझने की इच्छा ही नहीं। यह रहस्य रघुनाथ कर बेगी न जाने कोय, जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोह न होए। तुम जानने में रुचि नहीं ले रहे हो। और भगवान कृष्ण कहते हैं मनुष्याणाम सहस्रेशु, ये श्लोक मैं नहीं बोल रहा, मेरा बनाया नहीं है, मनुष्याणाम सहस्रेशु कश्चिद् यतति सिद्धये, यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्त्वतः। ठीक ठीक मुझे कोई जानता है, मुझे जानते ही नहीं। भगवान माने जा रहे हैं, माने जा रहे हैं, पूजे जा रहे हैं, क्या है भगवान? जो तुम पूजते हो भगवान हो गया? तुम तो पथरा पूज लो, तुम तो पेड़ पूज लो, तुम तो सांप पूज लो, इसीलिए ईसाई लोग तुम पर व्यंग करते हैं कि हिंदू मूर्ख है, जाने क्या क्या पूजता रहता है। यद्यपि जिन्होंने जाना है उनका कहना है ये सब भगवान का रूप है, पर ये ज्ञानियों के वचन को जब मूर्ख मानता है, समझना नहीं चाहता, तो अंधविश्वासी बनकर मूर्ख हो जाता है। यहां लत्ताई देवी, यहां पथराई देवी, यहां भूखी माता, यहां मरी माता। हाँ, हम गए उज्जैन की तरफ तो वहां मरी माता, जिंदा से छके नहीं है, मरी माता पूज रहे हो। और तुम्हें मरे मराए बचा लेते, कब्रों में जाते हो, मेरे लड़का हो जाए, जिंदा वालों से हो नहीं रहा। तभी तो आर्य समाजी व्यंग करते हैं कि आज पति प्रसाद लड़के का नाम नहीं रखा, पति प्रसाद, गंगा प्रसाद, देवी प्रसाद, राम प्रसाद। और जो बेचारा मर गया ब्याह करके, उसका नाम ही नहीं है कि ये पिता प्रसाद, पति प्रसाद। तुम्हारे पेट में गंगा माता ने दे दिया, और नहीं स्वामी प्रसाद। अभी तो वकील रहे हमीरपुर में, अभी पता नहीं है कि हैं कि नहीं है। स्वामी प्रसाद माने स्वामी परमानंद प्रसाद। हाँ, और क्या, दुकान दिन भर तुम करो, हमारे चरण डालने से चल गई। तो एक तो जड़ चेतन का विवेक, ये सांख है। योग, चित्त की वृत्तियों का निरोध करो, जगत से तुम्हारा संपर्क टूट जाए, तुम्हारे मन और इंद्रियों का संबंध जगत से टूट जाए, तुम अपने अंदर आ जाओ, समाधि लगाओ, ये योग है। सांख्य और योग दो के हाथों से वेदांत अधिकृत होता है, अधिगत होता है, प्राप्त होता है। जहां तुम सत्य हो
विवेक की जरूरत नहीं, तुम सत्य हो और कोई है ही नहीं, तुम सत्य हो और कोई नहीं, योग की वृत्ति के निरोध की जरूरत क्या है। जैसे शुरू में कोई बर्फ से पानी को अलग करे, ठीक है करो अलग, पर जब सचमुच अलग कर लोगे, सचमुच गर्मी से और ठंडक से रहित हो जाओगे तो बर्फ ही नहीं होगी, फिर अलग किससे होगे। घड़े से मिट्टी को अलग करो, अलग करने पर घड़ा यहाँ रहेगा, मिट्टी यहाँ रहेगी, दूसरा रहेगा ही नहीं। शुरू में ठीक है कि घड़ा जन्मा है, घड़ा मरता है, मिट्टी अजन्मा है, मिट्टी नहीं मरती, समझाओ, लेकिन पूरा समझ में आने के बाद घड़ा और मिट्टी दो हैं। इसलिए शरीर तुम नहीं हो, इंद्रियां तुम नहीं हो, मन तुम नहीं हो, ये सांख्य विवेक की बात कहता है। पर शंकराचार्य की विवेक चूड़ामणि ये कहती है कि हम उसका सहारा तो लेंगे जिससे ये समझ आए ये नाशी है, ये अविनाशी है, ये नष्ट हो जाता है, ये नष्ट नहीं होता। जैसे मैं प्रायः गांठों से समझाता हूँ, देखो ये क्या है, ये गांठ है, और ये क्या है, अच्छा ये कपड़ा है, ये गांठ है, कपड़ा जहाँ गांठ है वहाँ तो कपड़ा नहीं है, अच्छा अच्छा अब जहाँ कपड़ा है और गांठ दो है, विवेक करो, गांठ क्या है जो पैदा हुई है, गांठ क्या है जो नहीं रहेगी, कपड़ा क्या है जो रहेगा, ठीक है ना। अब ये दो हो गए, अच्छा अपन ने अलग करा, अब एक गांठ है एक कपड़ा है, दो हैं, बोलो गांठ है ही नहीं, अब विवेक की क्या जरूरत है, अलग करें तब जब दो हो, और चित्त की वृत्ति का निरोध करें, गांठ से मन हटाएं, कपड़े में लगाएं जब गांठ हो। बोध के बाद दूसरा ही नहीं है, इसलिए आत्मै वेदम सर्वम, ना मन को हटाना है और ना किसी को अलग करना है, क्योंकि दूसरा है ही नहीं। लेकिन इसमें ताली तो बजाओगे, पर यह समझना अभी आसान नहीं है, मुझे मालूम है कितना कठिन है। इतना आसान होता ना तो एक प्रवचन में झांसी वालों का सारा स्यापा मिटा देते। स्यापा जानते हो, मरे पे रोने का नाम स्यापा, मरे पर जो छाती कूटते हैं ना, इसको स्यापा पंजाबी में बोलते हैं, स्यापा, ये स्यापा ही है, ये हो गया, ये हो जाएगा, स्वामी जी ये कर लो, आशीर्वाद दो, ये स्यापा है। ये स्यापा मिट जाना चाहिए, क्या हो जाएगा, क्या होता है, सब सपना है। जो सपना और पेखना ऐसे जग को जान, इनमें साचो कुछ नहीं नानक बिन भगवान। गुरुवाणी इतनी ऊंची बाणी है, सिख भी गुरु ग्रंथ साहब की पूजा में अटक गए। भगवान की वाणी गीता, हम भगवान को मंदिर में बिठा के पूजने में उलझ गए, कितने महान गुरु उनके पैर छूने और आरती तक अटक गए, और ज्यादा से ज्यादा मंत्र ले लो बस। जो सभा में देता हूँ ये मंत्र नहीं है, है ना, जो सभा में देता हूँ ये मंत्र नहीं है, मंत्र वो है जो अलग से कान में कह दूंगा, ठीक है ना। जो इतनी देर में नहीं समझे वो 10 मिनट में समझ जाओगे, इसलिए शिष्य तो नहीं तो मूर्ख जरूर बन जाते हो। ये मूर्ख बनाने की बात है। यदि तुम ऐसे समझ सकते हो तो पहला मेरा कहना है कि तुम समझने में शक्ति लगाओ, चेला वेला मत बनो। और चेला तो हो ही जो समझ रहे हो, समझना चाह रहे हो, इससे ज्यादा और चेला कौन होगा। जो समझना नहीं चाहता मंत्र लेता है वो चेला है। कई लोग चेला बनने के बाद मेरे दर्शन नहीं किए होंगे, जोश में आके पंजीयन करा के चेला बन गए, और पता ही नहीं कि स्वामी जी आए हैं नहीं आए हैं, कुछ पूछना है, कुछ समझाया था, समझना है। एक दिमाग में बात बैठी है कि मन बिना गुरु के तरते नहीं, इसलिए गुरु बना लो। माने जैसे कोई कहे बिना डॉक्टर के ठीक नहीं होगे, तो डॉक्टर बना लो, न दवा खाओ न परहेज करो, डॉक्टर बना लो। क्यों, आप डॉक्टर बनाते हो ना,
डॉक्टर बनाने का मतलब कोई डॉक्टर चुनो, जिसकी दवा खाओ, जिसकी बात मानो। आप गुरु बनाओगे, फिर हमारी बात मानोगे, फिर हमसे सुनोगे, फिर हमसे समझोगे। कहते नहीं, आप तो करते रहना, जो करते रहना, हम तो बस मंत्र भर ले लेंगे। आप इंजेक्शन जो है दीवारों को लगाओ, हम तो आपके पेशेंट हैं, हम आएंगे भी नहीं, इंजेक्शन लगवाएंगे भी नहीं, दी हुई दवा खाएंगे भी नहीं, ये सब काम तुम्हारा है, तुम करते रहो, हमें निरोग कर दो, ये है आपका इरादा। तब मुझे नहीं पता कि तुम बेवकूफ बन रहे हो या मुझे बना रहे हो। मुझे शक है, मुझे नहीं पक्का कि तुम सचमुच मुझे बना रहे हो, कि आपका मंत्र ले लिया, कल उलहना दोगे। आपसे मंत्र तो लिया पर हमारा कुछ बना नहीं, हमने कहा क्या बन जाए, तुम हमारी सुनते हो क्या? जब मंत्र लिए हुए नहीं तरते तो बहुत पीड़ा होती है, तो हमारी भी बदनामी करते हो। एक ज्ञानी गुरु के शिष्य बनकर भी यदि तुम दुखी हो, रोते फिरते हो, आत्मविश्वास, आत्म कॉन्फिडेंस, आत्मबल, आत्मज्ञान नहीं है, तो तुम बनते क्यों हो? यदि बनने वाली बात है तो किसी के बन जाओ, फिर ज्ञानी की क्या जरूरत? अच्छा, यदि ज्ञान नहीं लेना तो गधे को गुरु बना ले, क्या हर्ज है, क्या दिक्कत है? जब बनाना ही है तो बना लो किसी को। आपसे इतना ही निवेदन कि बुद्धू मत बनो, बुद्ध बनो। बुद्धू नहीं, हाँ, तुम सचमुच शिष्य बनो, सीखो, बनो शिष्य, सीखो, जानने के लिए बनो। तद विज्ञानार्थम सगुरुमेवाभिगच्छेत्, ये वेद का मंत्र है। तद विज्ञानार्थम सगुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणि सोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्। श्रद्धा से हाथ में कुछ ले जाकर, हाथ में कुछ ले जाओ, श्रद्धा से गुरु के पास जाकर। किस लिए? तद विज्ञानार्थम, उस सत्य को जानने के लिए, इस रहस्य को समझने के लिए गुरु के पास जाओ। मंत्र लेने नहीं, समझने जाओ। तद विज्ञानार्थम, थोड़ी संस्कृत जानते होंगे, उस शब्द का अर्थ जान जाएंगे। तद माने उस पर ब्रह्म, उस सत्य को। तद विज्ञानार्थम, जानने के अर्थ, जानने के लिए, जानने के प्रयोजन से जाओ, मंत्र लेने के प्रयोजन से न जाओ। यदि तुम यहां भी जानने के लिए आए हो तो तुम शिष्य हो, मैं गुरु हूं, पर इतने पर भरोसा ना होवे तो अलग से सुन लेना। यदि तुमको लगता है हम शिष्य हैं और तुम्हें लगता है कि ये मुझे जना सकते हैं, ये गुरु होने के योग्य हैं, तो तुम गुरु मानकर सुनो, अपने को शिष्य मानकर सुनो। कहाँ तक मैं बताऊं? अर्जुन यही बोला, शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं, मुझे आप समझाइए, जनाइए। बस आप यहाँ आए हो, शिष्य हो कि नहीं, तुम शिष्य भाव से आए हो कि नहीं, यहाँ जानने आए हो कि नहीं, टाइम पास करने आए हो कि मनोरंजन करने आए हो। लोग बोलते थे जब हम विद्यार्थी थे ना, समय बिताने के लिए किया करो कुछ काम, शुरू करो अंत्याक्षरी लेकर हरि का नाम। समय बिताने के लिए, पास करने के लिए अंत्याक्षरी, चलो अच्छा है, कम से कम ताश नहीं खेलते हैं, अंत्याक्षरी करते हैं, अच्छी बात है। मनोरंजन भी सात्विक हो, जिससे थोड़ा ज्ञान मिलेगा, कुछ चौपाई मिलेगी। ऐसे यहाँ आए हो, बधाई के पात्र हो, नहीं ज्ञान के लिए आए तो आखिर कुछ तो सुनोगे। गंदी बातों से, गंदे उपन्यास से ये कुमति कुछ तो अच्छी मति बनेगी, नहीं है तो कुछ भ्रूण हत्या बंद कर दोगे, गर्भपात बंद करोगे, लड़कियों की जांच परीक्षा पेट की कराकर पेट की सफाई न कराओगे। रितंबरा कहती हैं, तुम्हारा पेट कोई नाली है, गंदी नाली जिसकी सफाई कराते हो? पेट में एक देव तुल्य बच्चा पल रहा है,
एक बच्ची जिसकी नवरात्रे में पूजा करते हो, कंचिका खिलाते हो, कन्याकुमारी खिलाते हो, जिनको खिला के पूज करके आप अपनी मानसिक कामनाओं की पूर्ति की आशा करते हो, वो बिचारी देवी पेट में आई थी तो उसकी हत्या करते हो, क्या भगत हो? तुम्हारे पेट में एक देवी आई है, एक शक्ति आई है, एक पूज्य आई है, एक वंदनीय है, आराध्या है, उसको तुम कचरा की तरह सफाई कराने का शब्द बोलते हो। देवियों की सफाई घर में आने से रोक रहे हो और फिर नवरात्रे में कन्याएं ढूंढते हो खिलाने के लिए। हम किस विश्वास को आपकी कीमत समझें कि तुम क्या मानते हो? तो आप अपने जीवन को धन्य बनाएं, कुछ सीखें। आप अपने विषय में आएं कि आप जैसे मिट्टी हटाई जाए तो घड़ा खो जाएगा, इसी तरह ईंटे में से मिट्टी हटाई जाए तो ईंटा खो जाएगा, एक ढेले में से मिट्टी हटाई जाए तो ढेला खो जाएगा। इसी तरह तुम ध्यान में बैठोगे, धीरे धीरे आंखें खो जाएंगी, धीरे धीरे कान खो जाएंगे और थोड़े दिन नए कान पैदा हो जाएंगे। ये भी सुनो, एक ढेला खोया तो मिट्टी में नया ढेला, ख्याल का ढेला पैदा हो गया। जैसे तुम नींद में जाओगे ये देह छूटेगा, तुम सपने में एक देह खड़ा करोगे, उससे भी छूटना है। देह से नहीं, देह के ख्याल से छूटना है, संसार से नहीं, संसार के स्वप्न से छूटना है, धन से नहीं, धनी होने के ख्याल से छूटना है। मैं पुरुष से नहीं, मैं पुरुष देह वाला, मैं पुरुष के ख्याल से मुक्त हो जाऊं, मैं पुरुष हूं यही ख्याल न रहे, मैं धनी हूं ये ख्याल छूट जाए। क्योंकि ख्याल के होने के लिए तुम बाहर का धन जुटाते हो, ख्याल के पुरुष होने के नाते तुम पुरुष देह जुटाते हो और अगले जन्म भी फिर देह बनोगे, फिर उन्हीं की तलाश करोगे जो पुरुषों को जरूरत पड़ती है। अंतकाल में स्त्री सुमिरन करते मरोगे, फिर देह बनोगे, फिर स्त्रियां ढूंढोगे। तुम पुत्र रहित होकर पुत्र की याद, पुत्र हो मरोगे, अगले जन्म में सुअरिया होगे, जिससे ढेर कई बार में हो जाए, बड़े तरसते तरसते मरे। वासना का मतलब जो मेरे अंदर चाहिए उसको मैं ढूंढता रहता हूँ। स्वर्ग ढूंढते हो, फलाना ढूंढते हो, धन ढूंढते हो, आत्मा नहीं ढूंढते हो। केवल आत्मा रह जाए तो तुम परेशान हो जाओगे। तो केवल आत्मा होना सीखो, ना कोई स्त्री, ना कोई पुरुष, ना कोई मैं जवान, ना मैं बूढ़ा, ना मैं देह, मैं देह ही नहीं हूँ, ना हम मनुष्य, मैं मनुष्य नहीं हूँ, न च देव, न मुझे देवता हूँ, न होना है। कल मैंने समझाया था, मुझे देवता भी नहीं बनना, मुझे स्वर्ग नहीं जाना। ना हम मनुष्य न च देव यक्ष, मैं देवता और यक्ष कुछ नहीं हूँ। और यदि मनुष्य, न मैं ब्रह्मचारी हूँ, न गृहस्थ हूँ, न बाणप्रस्थ, न संन्यास, फिर आखिर हो क्या? ना हम देहो हम आत्मे थी, मैं चैतन्य आत्मा हूं। और तुम आत्मा हुए कि देह गया, ये बन गया है इसलिए कुछ दिन रहेगा, घड़ा बन गया है तो पहले तुम ख्याल में सोचो हम घड़ा नहीं है। जब तुम्हारे अंदर घड़ा बनने की इच्छा ही नहीं रहेगी तो तुमको कोई घड़ा नहीं बनाएगा, फिर सोने को कोई गहना नहीं बनाएगा। कहीं ना कहीं हमको देह मिलता है हमारी इच्छा से, भगवान को नहीं जरूरत कि तुमको देह बनाए, उनकी अटकी नहीं है, तुम्हारी अटकी थी देह बनने की। तुम्हारी अटकी देह बने, इस शरीर को खाना चाहिए तो अनाज इकट्ठा करोगे, अनाज पैदा करोगे, तुम्हें चाहिए इसलिए पैदा करते हो, हमें प्यास लगती है इसलिए पानी की जरूरत है, तुम्हें देह चाहिए इसलिए परमात्मा तुम्हें देह बनाते हैं। यहाँ तो सोनार को गहना चाहिए, सोनार से ज्यादा पहनने वालों को गहना चाहिए, सोनार बनाता है। यहाँ तो सोना खुद गहना बनने में रुचि ले रहा है इसलिए बनता है। यदि तुम देह ना हो, तुम्हें चैन हो तो देह ना मिलेगा।
तुमको मिलता है तुम्हारी वासना की पूर्ति के लिए। इसलिए सृष्टि का कारण वासना है और वासना का कारण आत्मा का अज्ञान है। तुम आत्मज्ञानी हो जाओ, वासना का क्षय हो जाएगा। तत्व ज्ञान मनोनाश, वासना क्षय, ये गणित की तरह फार्मूला है। तत्व ज्ञान मनोनाश, वासना क्षय। यदि शरीर रहते तुम तत्व ज्ञानी बने, शरीर की वासनाओं की पूर्ति नहीं, आवश्यकता की पूर्ति तो शरीर रहते करोगे, पर शरीर बनने का शौक नहीं, शरीर बन करके स्त्री पाने का, शरीर बन करके बड़े बनने का कोई शौक नहीं, मैं आत्मतृप्त हो गया तो तुम्हारा जन्म नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। इसलिए ये नहीं है कि तुम शादी अभी ना करो, बच्चे नहीं करो, लेकिन जाने के पहले तक, मृत्यु हो इसके पहले, वासना युक्त शरीर न छोड़ो, वासना रहित होकर शरीर छोड़ो। जैसे सांप केचुली को छोड़ देता है, उसकी त्वचा उससे अलग हो जाती है और केचुली गिर जाती है, सांप रहता है, ऐसे ये शरीर जाए, कच्चा ना जाए, चमड़ी ना उधेड़ी जाए, तुम तरसते रहो देह छूट जाए, नहीं, जब तुम्हें इसकी जरूरत ना हो, बल्कि सांप को केंचुली चुभने लगती है, उसकी आंखों में धुंधलापन आ जाता है। आपने केंचुली की आंखें भी देखी होंगी, सिर्फ पूरा नहीं, आंखों के अंदर भी सब पूरा शरीर उसका निकलता है, उसकी ऊपर की आंख आयनक की तरह जो आंख लगी है वो भी एक पर्दा डालती है, धुंधला कर देती है। जैसे तुम्हारी आंखों का माड़ा, तुम्हारी आंखों का कुछ डॉक्टर निकालते हैं, उनकी आंखों के ऊपर आई हुई झिल्ली सांप को दिक्कत डालती है, वो चाहता है निकल जाए। ऐसे ये आदमी होना, मनुष्य होना, देह होना, ये तुम्हारी समस्या है, मरना पड़ता है, जन्मना पड़ता है, भूख लगती है और की जरूरत पड़ती है। यदि ये देह उतर जाए तो तुम्हें कोई जरूरत ही नहीं है। इसलिए आत्मा नित्य आनंदमय है, सच्चिदानंद है, ब्रह्म है, लेकिन तुम देह में रह रहकर देह के आदि हो गए हो। जैसे ये ना होगा तो हम मर जाएंगे। तुम मर ना जाओ, इसलिए परमात्मा कहते हैं लेओ जिंदा रहो, लेओ देह ले लो, तुम मरे जा रहे हो तो लो देह। यदि तुम्हें देह की जरूरत नहीं है तो भगवान कोई बलात्कारी नहीं है, जबरदस्ती तुम्हें देह दे दे, तुम तरसते हो, भगवान जबरदस्ती न तुम्हें स्वर्ग देगा, न जबरदस्ती देह देगा, न जबरदस्ती तुम्हें स्त्री देगा, तुम्हें जरूरत है। और तुम्हें जरूरत हो तो जागृत के ना मिलेंगे तो सपने में बना लोगे। तुम जगत बनाते हो, बनाते रहोगे जब तक तुम्हें जगत की जरूरत है, जब तुम्हें अपने सिवा कुछ नहीं चाहिए तब तुम्हारा सब कुछ छूट जाएगा। अब आप ध्यान करें थोड़ी देर, आज कुछ देखने के लिए नहीं पर कुछ नया अनुभव प्राप्त करने के लिए। यदि आपको तकलीफ है तो आप ऐसे बैठ जाएं, ऐसे आराम से बूढ़ों की तरह, और अपनी टांगों पर कूहनी रखें और अपनी आंख, पहले आंख बंद करके फिर आंख बंद करें, आंख बंद कर लें, चाहे तो कान भी बंद करें, नहीं तो ना करें, तुम्हारी मौज, पर ध्यान आंखों पर लाएं। ध्यान कोई आज नया नहीं है पर नया ढंग है। अब आप पूरा ध्यान आंखों पर लाइए और देखिए, एक आंख बंद कर ली माने बाहरी आंख बंद कर ली, अब देखें भीतर आंख पैदा कर पाओगे कि नहीं। यदि सपनों में देह और इंद्रियां पैदा कर सकते हो तो तुम ध्यान में भी पैदा कर सकते हो आंखें और देख सकते हो, ध्यान में भी पैदा कर सकते हो कान और अनाहत सुन सकते हो, ध्यान में पैदा कर सकते हो नाक और सुगंध ले सकते हो। जो बाहर अभी नहीं है वो भी तुम्हें भीतर प्राप्त होगी। आप अपनी इंद्रियों को जगाओ, बाहर की इंद्रियां सुला दो, अंदर की इंद्रियां जगा दो, और आगे जाओगे तो जैसे गहरी नींद में कुछ नहीं रहता, ऐसे गहरे ध्यान में फिर सूक्ष्म इंद्रियां भी नहीं रहेंगी, फिर न अनाहत रहेगा, न नाद रहेगा, न प्रकाश रहेगा, न अंधकार रहेगा, न कोई और सुगंध रहेगी, न दुर्गंध रहेगी, वहां केवल तुम चेतन रहोगे, अकेले कैवल्य।
वहां तक यात्रा करनी है। पहले आंखें बंद और फिर देखो, यदि दिखने लग जाए तो ईमानदारी की बात है कि जब आंख बंद है तो दिखा क्यों, क्योंकि मन ने आंख बना ली, सूक्ष्म आंख बन गई और प्रकाश दिखने लगा, सूक्ष्म आंख बन गई और हरा दिखने लगा, सूक्ष्म आंख बन गई और भगवान दिखने लगे, आकाश दिखने लगा, चंद्र तारे दिखने लगे, पेड़ पहाड़ हरे पीले बैंगनी रंग दिखने लगे, शून्य दिखने लगा और तो न से अंधकार दिखने लगा। यदि अंधकार दिखता है तब भी आंख है, बिना भीतर के आंख के अंधकार कैसे। इसलिए आंख बंद रखो और देखो, कभी आंखें सहलाओ, आंखें सहलाओ, जैसे छोटे बच्चे नींद खुलने के बाद आंखें नहीं खुलती तो आंखें सहलाते हैं, ऐसे ही तुम आंख की ऊपर की चमड़ी को, त्वचा को सहलाओ और देखो, बंद रखो और देखो, एकाग्र रहो और देखो, और काम कोई नहीं। कभी कभी प्राणायाम करो, श्वास लंबी लो, रोको और पूरा ध्यान अपनी आंखों पर रखो, भीतर भीतर देखो। यदि कुछ भी दिखने लग जाए तो समझो स्थूल आंख से छुट्टी मिली, सूक्ष्म आंख पैदा हो गई, सूक्ष्म आंख। कुछ भी देखो, कुछ भी दिखाई दे, तुम इच्छा करोगे दिखने लगेगा। कोई पेशाब लगा हुआ बच्चा सो जाता है तो सपनों में भी पेशाब करता है। कई बार भूखा आदमी गरीब आदमी स्वप्न में भी उसी तरह के स्वप्न देखता है। डरपोक आदमी स्वप्न में सांप और मगर देखता है मेरी तरह, मुझे सांप भी बहुत मिलते थे। कामी आदमी को स्वप्न में भी स्त्री पुरुष के संबंधों का स्वप्न होता है। कई लोग स्वप्न में भी चोरी करते हैं, ऐसे ध्यान में भी आपको कुछ हो सकता है। भगवान का ध्यान करोगे भगवान दिखने लगेंगे, प्रकाश का ध्यान करोगे प्रकाश दिखने लगेगा, सुगंध का ध्यान करोगे सुगंध आने लगेगी, आपकी सूक्ष्म इंद्रियां जाग जाएंगी। ध्यान करते रहो, एकाग्र हो, प्राणायाम करते रहो, चित्त का निरोध करते रहो, चित्त वृत्ति को रोकते रहो, बहुत बाहर न भटको तो अंदर कुछ दिखना शुरू होगा। जब बाहर न देखोगे तो अंदर दिखेगा, जब सो जाओगे तब सपने दिखते हैं। ऐसे ही बाहर एकांत में बैठो, जहां बाहर की आवाज न हो, आंख बंद करो, कान में रुई लगाओ, हाथ से करने की इच्छा छोड़ दो तो भीतर हाथ पैदा हो जाएंगे, भगवान को प्रणाम करेंगे, भीतर की आंख होगी, भगवान के दर्शन करेंगे, मन तन्मय हो जाएगा, कोई अजीब अनुभव करेगा। तन से छुट्टी पा जाओ, तन जैसे सो गया है, बाहर के उपकरण खत्म, अब मेरा मन है, मन जो चाहे देखे, जो चाहे सुने, जो चाहे करे, मन करे, तन नहीं। यदि लड़ना भी हो तो इस शरीर से नहीं लड़ो, जैसे स्वप्न में हाथ भी किसी को पीटोगे तो उन हाथों से, इन हाथों से नहीं। होश में इन हाथों को पड़ा रहने दो, इन पैरों को रखा रहने दो, इस धड़ को, इन इंद्रियों को, एक तरह से छूटे गई, एक तरह से ये सब सो गई। जैसे व्यक्ति स्वप्न में इस शरीर को पड़ा रहने देता है, स्वप्न के शरीर से भागता है, स्वप्न की आंखों से देखता है, स्वप्न के हाथों से लड़ता है, झगड़ता है, प्यार करता है। ये हाथ नहीं, ये पैर नहीं, इस स्थूल शरीर को तुम भी छोड़ दो। सजग रहो, सजग रहो, सजग रहो, इस स्थूल को छोड़ दो, मन की आंखों से देखो, मन के कानों से सुनो, मन के हाथों से प्रार्थना करो। शरीर छूट गया, शरीर छूट गया, पर सूक्ष्म शरीर अभी है, और सूक्ष्म शरीर भाव देह बना लेता है, प्रार्थना का देह, प्रसन्न मुद्रा,
अंदर से खुश। शरीर रहने दो, बाहर की दुनिया से क्या तुम अंदर, आंखें नहीं चाहिए ना बाहर की ना भीतर की, ना मुझे कान चाहिए ना मुझे मन चाहिए, पर मैं अकेला रहूं, मैं हूं जाग रहा हूं। यद्यपि शरीर रहा है इसलिए ख्याल से छोड़ना बड़ा मुश्किल है, जिसके साथ रह देते हैं वो मेरे ख्यालों में बस जाता है, लेकिन कोशिश करो मुझे शरीर नहीं चाहिए, मुझे आंखें नहीं चाहिए, मुझे मन नहीं चाहिए, मैं अकेला काफ़ी हूँ, मैं चैतन्य हूँ, श्वास श्वास में चेतन रहिए। बस दो मिनट श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए, श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए, श्वास में जागिए। ना आँख की ज़रूरत, ना कान की, ना हाथ की, ना माला की, ना कोई क्रियाकलाप की। श्वास चलती है, चलने दीजिए और जागिए। देखिए नहीं, जागिए, श्वास में जागिए, देखिए नहीं, श्वास में जागिए, सुनिए नहीं। श्वास चल रही है, कोई सुनने की ज़रूरत नहीं, श्वास चल रही है, कोई देखने की ज़रूरत नहीं, श्वास चलती है, आती है, जाती है। हाँ, एक शब्द स्वीकार कर सकते हैं, कोई शब्द जिस नाम का कोई व्यक्ति न हो, जिस नाम की कोई वस्तु न हो, जिस नाम का कोई व्यक्ति वस्तु, पेड़ पहाड़ का नाम न लीजिए, आदमी औरत का नाम न लीजिए, जल पृथ्वी का नाम न लीजिए, फिर क्या नाम लीजिए, एक कोई अजीब सा नाम, शब्द, ध्वनि, उस ध्वनि को महसूस करिए, जैसे सो हम, सो हम, एक साउंड जो इन कानों से नहीं सुनना, एक शब्द की अनुभूति करिए, सो हम, श्वास आई श्वास गई, सो से आई हम से गई, कुछ मत करिए, केवल सो हम। बोलिए नहीं, माला नहीं, हाथ नहीं, जबान नहीं, जाप नहीं, कोई जाप नहीं, कोई क्रिया नहीं, अंदर एक अनुभूति, और वो अनुभूति आँखों से नहीं, कानों से नहीं, मन से भी नहीं, मन की भी ज़रूरत नहीं, केवल सुरति, केवल चैतन्यता, केवल कॉन्शियसनेस, प्योर प्योर कॉन्शियसनेस, केवल शुद्ध चैतन्यता। उस चैतन्यता में सो हम। जाग रहे हो इसकी पहचान के लिए, होश बनाए रखें इसके लिए सो और हम। उसके बिना भी काम चलेगा, पर शुरू में सहारा लीजिए, जबान का नहीं, आँखों का नहीं, कान का नहीं, पैर का नहीं, पेट का नहीं, केवल श्वास का और नाम का, नाम का सहारा कि तुमको लगे मैं हूँ। नाम सुमिरन का मतलब आप हैं, श्वास का मतलब आप हैं। सो हम, सो हम, सो हम। आप चेतन हैं, आप बिना आँख के हैं, बिना कान के हैं, या आँख नाक कान शरीर सब है, पर सुमिरन करने वाले को आँख की ज़रूरत नहीं, कान की ज़रूरत नहीं, हाथ की ज़रूरत नहीं। जो इस नाम का स्मरण कर रहा, मंत्र का स्मरण कर रहा, इसको हाथ पैर आँख नहीं चाहिए। सुमिरन के लिए मुझे केवल सुरति चाहिए। मेरे गुरुदेव कहते थे, मेरी सूरत सुहागन जाग रही, सुहागन हो गई, ये पति वाली हो गई, ये भटक नहीं रही। नहीं तो ये लड़कियों जैसे भटकती हैं जब तक ब्याह नहीं होता, ऐसे ये मेरी सुरति भटकती रहती है। आज मेरी सुरति को शब्द मिल गया, आज मेरी सुरति को नाम मिल गया, जैसे पति मिल गया, जैसे प्रभु मिल गया, जैसे मालिक मिल गया, मेरा भटकाव खत्म। सो हम, सो हम, सो हम, सो हम, सो
हम शो हम मेरी श्वास सोने पर मुझे नहीं छोड़ती, आंखें छोड़ जाती हैं, शब्द छोड़ जाते हैं, श्वास नहीं छोड़ती। श्वास मेरी साथी है, मित्र है। ऐसी श्वास के सहारे मैं अपने पिता को, परम प्रभु को, अपने पिया को पा सकती हूँ। श्वास के सहारे, श्वास रहे और होश रहे और ये शब्द रहे, श्वास रहे, सुमिरन रहे और सुमिरन की खुशी रहे, सुमिरन की प्रसन्नता रहे। प्रसन्नता, श्वास और होश, जिससे मैं अनुभव को उपलब्ध हूँ। कोई भी अनुभव हो, शून्य हो, खालीपन हो, शून्य महल में सूली ऊपर सेज पिया की, मेरे पिया की सेज सूली ऊपर है। मरने को तैयार हूँ तो मिलेगा वह सत्य, वह चैतन्य, वह शून्य, वह एकांत। मेरी लगन हो तो मिलेगा, मुझे एकांत चाहिए। अपने पिया से मिलने को एकांत चाहिए। वहाँ ये आँखें भी बाधा हैं। पड़ोसी कोई और हो तो मुझे मिलने में शर्म आती है। ये आँखें भी नहीं चाहिए, कान भी नहीं चाहिए, शरीर और इंद्रियाँ भी नहीं चाहिए। वहाँ मुझे एकांत चाहिए, जहाँ मैं हूँ और मेरा राम हो। अजब अलौकिक स्वरूप मेरा कि राम मुझ में, मैं राम में हूँ। पति और पत्नी हो और कोई न हो, चलो वहाँ चलें जहाँ कोई न माँ हो न बाप हो, मेरा हो न तेरा हो, न दोस्त हो न दुश्मन हो। उस एकांत में हम अपने पिया से मिलेंगे। अंदर जाएं, एक सेकंड को अकेलापन, देर तक नहीं, वहाँ बहुत देर तक नहीं रह सकते। अभी वहाँ क्षण भर को, एक सेकंड को, जहाँ सो और हम, तुम हो और मंत्र है और श्वास है, बस एक सेकंड, जहाँ तुम हो, तुम्हें ये याद आई कि हाँ मैं हूँ, बस उस सेकंड में कोई और है ही नहीं। जहाँ सो और हम है और कोई है ही नहीं, जहाँ श्वास है तुम हो और कोई है ही नहीं, उस एकांत में चलें। और एक जगह ऐसी जहाँ श्वास भी छूट जाए, आत्मानुभव होता है। अभी इतना ही कहते समाप्त करेंगे, लेकिन हड़बड़ा के मत छोड़ो, हड़बड़ाओ मत, घबराओ मत, एकदम जल्दबाजी नहीं। एक बार एक डुबकी एकांत में फिर लगा लो। जिन्हें पूरा अवसर नहीं मिलता, एक सेकंड को ही प्रेमी प्रेमिका मिल लेते हैं, फिर कभी मौका लगता है। ऐसे मौका लगाओ अकेले होने का, भीतर अकेले हो जाओ, भीतर शून्य में चले जाओ, निष्क्रिय हो जाओ, निर्द्वंद हो जाओ, निर्विकल्प हो जाओ, अचाह हो जाओ, रम जाओ वहाँ। सदा श्वास में लग जा मनुआ, हम जानी कि तुम जानी। श्वास में लग जा, अकेले में रम जा। बहुत अच्छे, इसी भाव दशा में, प्रेम दशा में, एकांत में, शून्य में, प्रसन्नता में, अकेलेपन में, अपने नाम और मंत्र के साथ रम जाओ। ये साधना की एक पद्धति है। जो पद्धति बहुत अनुकूल लगे उसका अभ्यास 40 दिन करो। अब धीरे से छोड़ दो, छोड़ दीजिए। फिर एक प्रश्न आज का है, आज का ध्यान किसको अच्छा लगा है, वहाँ तो उठाएं, बहुत अच्छे। अब दूसरा नीचे करो, कल से आज का जिन्हें ज़्यादा अच्छा लगा हो, कल से वो अभी हाथ उठाएं। हाँ, जिनका आज से कल ज़्यादा अच्छा लगा था वो हाथ उठाएं, बहुत अच्छे। जो ज़्यादा, कई बार है कल कल वाला अच्छा लगा था, आज आज वाला, ऐसा भी होता है, तुलना करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जो अच्छा लगे उस ध्यान को कार्यक्रम के बाद भी अभ्यास करें,
एक दो क्षण घर में जाके मिलें तो लेटे बैठे, हाँ लेटे बैठे पड़े उताने, कहें कबीर हम उसी ठिकाने। कभी कभी आप उसी अवस्था में रहो। अभी का कार्यक्रम पूरा होता है।